नमस्कार दोस्तों, आरईपीबी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की स्टूडेंटों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सर एग्जाम कब से होंगे, सर एग्जाम कब से होंगे। तो लो, टाइम टेबल ही आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस टाइम टेबल को देख लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो दोनों ही लोग, जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है, वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी मैं समझाऊं उसको भी समझें, क्योंकि कई बार कुछ डाउट होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले आरजीबीवी की साइट पर, जहां पर प्रूफ के लिए देखेंगे कि टाइम टेबल डला हुआ है या फिर नहीं डला हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहां पर ऐसा क्लिक करना और आरजीबीवी डिप्लोमा लिख देना। जैसा कि मैं सर्च कर चुका हूं तो पहले नीचे आ गया, तो ऐसा कुछ आपके आगे सबसे पहले आरजीबीवी डिप्लोमा कैपिटल में लिखा आएगा। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ब्लैक कलर में एक पट्टी लिखी दिखेगी, यहां पर दिख रहा है, जहां इंपॉर्टेंट अलर्ट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट अलर्ट के नीचे पहला ही ऑप्शन दिया, टाइम टेबल ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जनवरी 2023। हमें सिर्फ इस पे क्लिक कर देना। क्लिक पे क्लिक करते ही आपको एक मतलब पूरा टाइम टेबल ओपन हो जाएगा पीडीएफ में, इसको हम समझेंगे। तो ऐसा कुछ टाइम टेबल खुलेगा, जो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ा करें जब भी टाइम टेबल ओपन करें। यहां लिखा हुआ है दिनांक, मतलब कब रिलीज हुआ, इसको जो रिलीज डेट है उसको ध्यान से देखें। यहां लिखा 2 दिसंबर, 2/12/2022, इससे एक चीज कंफर्म हो जाएगी, हाँ आरजीबीवी से रिलीज हुआ और कब रिलीज हुआ है, कितना पुराना टाइम टेबल है। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है, ये जो विषय लिखा है इसको ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा, जो भी विश्वविद्यालय डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रेगुलर और हमारे जो भी हमारे रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, कि सभी सेमेस्टर की 4 जनवरी 2023 से आयोजित होने वाली परीक्षाओं की समय सारणी, इतने से 4 जनवरी से। अब इस 4 जनवरी से किसके स्टार्ट हो रहे हैं, ये हम टाइम टेबल में देखेंगे। इसके बाद बहुत सारा टाइम टेबल मिलेगा, इसको आप क्या कर लें, मिनिमाइज कर लें और सीधा आप नीचे जाएं, जैसा मैं जा रहा हूं, कहीं पे रुकना नहीं है। जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनको हो सकता कई बार नहीं आता टाइम टेबल निकालना, तो ऐसे नीचे चले जाएं, जहां मैं रुकूंगा वहीं पर आपको भी रुकना है, सीधे चले जाएंगे। और जाते जाएंगे आपको क्या करना है, सीधा एक टाइम टेबल आएगा जहां पर मैं रुकूंगा, अब यहां पर रुक जाए, किसी भी ब्रांच का टाइम टेबल हो, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले कोर्स और कोड नेम, मतलब यहाँ पर आपका कोर्स, जैसे कि हम अगर मैकेनिकल का बताएं तो M02 होता है, उसका मुझे याद है, ठीक है, सिविल का C03 होता है, इलेक्ट्रिकल का E02 होता है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा रहता है। यहाँ पर आपकी ब्रांच लिखी जाती है, तो कोर्स से जरूर मिलाएं ब्रांच को, कोर्स से मिलाने के बाद ये सेमेस्टर इधर लिखा हुआ सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है। कोर्स से जब ब्रांच मिला लेंगे, अब नीचे को आएंगे तो आप नीचे देखेंगे सभी सेमेस्टर के दिए। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं मैकेनिकल का टाइम टेबल निकाल के, और उसी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी है मैं बेसिक ब्रांच है उसका अभी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मैकेनिकल का निकालता हूँ। तो सबसे पहले हमें ऊपर की हेडिंग पढ़ना है, क्या लिखा है, एग्जाम दिसंबर जनवरी 2022-23। नीचे कोड दिया है M02 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इससे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट अपनी ब्रांच कन्फर्म कर सकते हैं, कोड और नाम लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पर टाइम टेबल बताने वाले हैं, 6 सेम 5 सेम ऐसा उल्टा चलेंगे, जिससे आपको, क्योंकि ये रेगुलर स्टूडेंट है उनकी सबसे पहले देखना। तो 5th सेम की बात करूं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 5th सेम OCBC 2019 एंड 20, मतलब जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है, 20 में हुआ और 21 में भी जिनका एडमिशन हुआ है, इन तीनों लोगों का ये टाइम टेबल आया हुआ है। पहली डेट देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 6/1/2023, मतलब 6 जनवरी को आपको 2023 में पहला पेपर होने वाला है, आगे देखेंगे दिन। फिर टाइम, हमारा टाइम क्या, तो 11 AM to 2 PM, मतलब 11 बजे से 2 के बीच में होगा, जो पहले भी होते थे। कोड यहाँ पर 501 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ, पेपर कोड यहाँ पर लिखा हुआ है और सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। 11 तारीख को हमारा दूसरा पेपर है, 500 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और 16 को तीसरा है, 20 को चौथा है। इन सब से आपको पता चल गया होगा कि हमारा पेपर किस डेट को है और किस टाइम में, टाइम जो याद रखें 11 से 2 फर्स्ट शिफ्ट में, और सब्जेक्ट याद कर लें। 6th सेम जो एक्स स्टूडेंट है उनको ध्यान रखें, उनकी 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 4/1/2023, 4 को उनका पहला पेपर है। जैसे हम मशीन डिजाइन की बात करें, रेफ्रिजरेशन की बात करें, 7 तारीख को, 7 जनवरी को उनका दूसरा पेपर है। अब इसके बाद पावर प्लांट का ऐसा है कि 12 तारीख को है। अब इसके बाद बहुत सारी चॉइस ली होंगी बच्चों ने, तो आगे 18, 23, 24, 25 ये डेट लिखी हुई। अब चलेंगे 3rd सेम पर, क्योंकि 3rd सेम का भी देखना बहुत जरूरी है, वो भी रेगुलर स्टूडेंट है।
9/1/2023 मतलब 9 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और टाइम सेम ही है 11 to 2 PM और सब्जेक्ट कोड यहां पर लिखा हुआ 301 और पेपर कोड लिखा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरा है 13 को मतलब अच्छा खासा गैप मिल गया 3 से 4 दिन का, लेकिन थर्मल इंजीनियरिंग थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, उसका भी टाइम सेम है, सिर्फ हमें डेट देखना है और यहाँ पर पेपर कोड और सब्जेक्ट कोड देखना है। तीसरा 19 तारीख को है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और चौथा है 21 तारीख को मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, मतलब जनवरी जनवरी के अंदर ही हमारे थर्ड और फिफ्थ सेम के रेगुलर सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। अब बैक वाले देख लें, जब फिफ्थ सेम के एग्जाम देते हैं बच्चे तो उनके साथ बैक के पेपर भी होते हैं। अब देखें यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5 जनवरी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर है जबकि दूसरा आपको 6 जनवरी को है। देखें आप कितना मतलब परेशानी वाली बात है, सोचना आप 5 जनवरी को एक पेपर दोगे अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जिनका बैक है और 6 को आपको रेगुलर पेपर देना है थ्योरी ऑफ मशीन का, दोनों ही टफ पेपर विद न्यूमेरिकल वाले, तो इसकी आप पहले से अच्छे से तैयारी रखें, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स जिसका बैक है वो 10 तारीख को है लेकिन 11 को उन्होंने ऑटोमोबाइल रख दिया, समझने की बात है मतलब आप लोगों के लिए कितनी परेशानी बनती जा रही। मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सबसे टफ सब्जेक्ट इसकी कितने 14 को है लेकिन 16 तारीख को आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का सब्जेक्ट है। इसी तरह मतलब एक फोर्थ और फिफ्थ अपने मिला के रखें सब्जेक्ट जिससे आपको परेशानी ना हो। अब चलते थर्ड सेम के बाद सेकेंड सेमेस्टर पे, तो सेकेंड और फर्स्ट का यहाँ पर खुला हुआ दिख रहा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स का जो पेपर है वो 30/1 तारीख को, याद रखें फर्स्ट सेमेस्टर किसका है, ये 2022 वाले स्टूडेंटों का नहीं है, ये 2000 जो हमारे 19 में 20 में और 21 में स्टूडेंट होंगे जिनके एडमिशन हुए उन लोगों के लिए, कितने 19 20 और 21 में जिन बच्चों के एडमिशन हुए उनका टाइम टेबल है, मतलब जो थर्ड सेम में अभी पढ़ रहे हैं उनकी एक्स पेपर है तो वो लोग जरूर इस टाइम टेबल को देखें, ठीक है मतलब बैक वाले पेपरों का सबका टाइम टेबल आ गया। फर्स्ट सेम में आप देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स है 30 तारीख को है, फिर 2 फरवरी याद रखें 30 जनवरी की बात है, 2 फरवरी को आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है इस तरह, फिर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा आप लोगों का तो ये हमारा 6 तारीख को है, इंजीनियर ड्रॉइंग जिनका है उनका 9 फरवरी को है, लेकिन वही टाइम टेबल जिनके भाई बहन जो अभी नहीं जानते हैं उनके लिए भी टाइम टेबल आ चुका है तो उनको बता दें आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ स्कीम भी आगे बढ़ा के। तो यहां पर आप देखेंगे नीचे जब एकदम से नीचे आएंगे यहां पर आपकी निगाह नहीं जाएगी, यहां पर लिखा हुआ है इधर देखो ओसीबीसी 2022 मतलब 22 में जो स्टूडेंट एडमिट हुए उनका टाइम टेबल है ओसीबीसी 2022। यहां पर देखेंगे इनका पहला पेपर कितने हुआ 28 मैथमेटिक्स 28 तारीख को किसका है मैथमेटिक्स का है 28 जनवरी 31 जनवरी को दूसरा पेपर है अप्लाइड फिजिक्स 1 3 फरवरी को तीसरा पेपर है अप्लाइड केमिस्ट्री और 6 फरवरी को चौथा पेपर कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इनका 28 को स्टार्ट होंगे और 6 को खत्म हो जाएंगे। तो 2022 में अभी जो स्टूडेंट एडमिट हुए उनको भी आप इन्फॉर्म कर। अब सिविल वाले स्टूडेंट हैं उनका टाइम टेबल देखेंगे, उनको भी फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है उसको भी बताता हूं मैं। तो सिविल के लिए सबसे पहले यहां पर कोड मिला है C03 सिविल इंजीनियर, ऐसे इलेक्ट्रिकल वाले सभी लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, हम सब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कुछ डेटा बताने की। फर्स्ट ईयर की डेटा सभी की सेम होंगी याद रखें, फर्स्ट सेम सेकंड सेम में जिनके भी बैक हैं उनकी डेटा सेम होंगी जो मैं मैकेनिकल में बता चुका हूँ, हमें देखना है तो थर्ड सेम का रेगुलर टाइम टेबल देखना जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 13/1/2023 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आपको थोड़ा और टाइम मिल रहा है 13/1/2023 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो हमारा टाइम टेबल वही है 11 से 2 और हाइड्रोलिक्स पहला सब्जेक्ट, दूसरा 17/1/2023 और बिल्डिंग मटेरियल दूसरा सब्जेक्ट है, 18 को तीसरा सब्जेक्ट है सर्वेइंग और चौथा सब्जेक्ट 23 को है जो है बिल्डिंग ड्राइंग। फिर इसके बाद हम बैक के देखना तो 6/11/16/22 ये 4 डेटें हैं बैक की पेपर की जो आप मैच कर लें। अब फिफ्थ से हम रेगुलर जरूर देखें 5/1/2023 मतलब 5 से स्टार्ट हो रहे हैं इरीगेशन इंजीनियरिंग का है, फिर दूसरा 10 को है ये हमारा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चौथा है कितने को 14 को ये हमारा QSC और 19 को है वो है RCC का। 6 सेम के स्टूडेंट ध्यान दें 4 से ही उनके स्टार्ट हो रहा है एक साथ सभी के, फिर 7 को है फिर 12 को है। अब जो मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर का वो फर्स्ट ईयर ध्यान से देख लें, हाँ ये आ गया फर्स्ट ईयर का सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है सेमेस्टर लिखा हुआ है, पहला है मैथमेटिक्स लिखा हुआ 28/1/2023 को मैथमेटिक्स है
31-1-2023 को अप्लाइड फिजिक्स है और 3-2-2023 को क्या इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, 6 को है हमारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और 9-1-2023 को है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये टाइम टेबल भी अपने साथ जो भी आपके फ्रेंड्स भाई हैं दोस्त हैं उनको भी बता दें कि आप लोगों का भी टाइम टेबल आ चुका। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपकी स्टडी में कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।